हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो एजुकेशन एम्प्लॉइज के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि बेसिकली आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनका फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है वो 2023 में जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एम्प्लॉइज हैं उनके चिल्ड्रन जो कि SSC या HSC या किसी भी बैचलर प्रोग्राम में मेरिट बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। अच्छा, तो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, तो डेडलाइन में जो है वो एक या दो ही दिन बचे हैं, तो काइंडली इसमें जो है वो जितना जल्दी हो अप्लाई कर लें। और उसके बाद जो है वो इसकी जो फॉर्म की लिंक है वो ये है कि या तो आप जो है वो इनकी ईमेल पे जो है वो फॉर्म मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मंगवाना चाहते तो आप जो है वो इनका फेसबुक का पेज है एजुकेशन एम्प्लॉय फाउंडेशन के नाम से, वहाँ से आप उनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला फॉर्म है इनका, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसको आपने करना क्या है, सेव करके आपने इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। प्रिंट करवा के ये आपकी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन यानी आपका नाम, आपके फादर का नेम और एजुकेशन एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। स्टूडेंट्स का डोमिसाइल कौन सा है और आपका करंट क्लास कौन सा है वो आपने यहाँ लिखना है। आपका रोल नंबर या क्लास की आईडी क्या है वो आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। उसके बाद करंट आप जो जहाँ पर पढ़ रहे हैं उस स्कूल या कॉलेज का नाम आपने यहाँ पर पूरा एड्रेस देना, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट एग्जाम कौन सा पास किया है और ईयर आपका कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगेन रोल नंबर बताना है और यहाँ पर आपने अपना बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है। आपने लास्ट एग्जामिनेशन में कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, उसके बाद आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी। उसके बाद आपने अपनी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर बतानी है, आपने पोस्टल एड्रेस आपकी ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपनी सिग्नेचर करनी है और यहाँ से जो है वो जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस हेड या प्रिंसिपल की जो है वो साइन और उसका स्टैम्प यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो है वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यानी कि आपके एम्प्लॉय का नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो डेजिग्नेशन कौन सी है और कौन सी ग्रेड में है, BPS 18 है, 16 है, 15 है, 14 है, जो भी है। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार नंबर यहाँ पर आपने बताना है, CRIC नंबर, और अगर इन सर्विस है या रिटायर्ड है या डिसेबल्ड है वो आपने यहाँ पर लिखना है कि क्या है। उसके बाद आपसे क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद करंट जो उनकी प्लेसिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कौन सी है और पोस्टल एड्रेस कौन सी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपने जो है वो एम्प्लॉइज का बैंक अकाउंट देना है, ठीक है। अकाउंट नंबर और उसके बाद बैंक का नाम और बैंक की जो है वो एड्रेस देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बता रहा है कि टेक ब्लैंक कॉपी ऑफ चेक बुक और बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने जो है वो एक चेक बुक की ब्लैंक कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पर ब्रांच का कोड बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एजुकेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ से जो है वो अटेस्टेशन होगी HOD या डायरेक्टर से, ठीक है। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें बताया गया है कि जो स्कॉलरशिप की लेवल है वो जो वेरी करती है, ठीक है, कि किस लेवल के आप हैं। मिनिमम ये बता रहा है कि 7000 जो स्टार्ट से है। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि वो अटेस्टेड होने चाहिए आपके इस फॉर्म के साथ, ठीक है, जिसमें आपकी मार्कशीट हो गई, आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके फादर या एम्प्लॉय की जो पे स्लिप होती है ना वो भी आपने यहाँ अटैच करनी है। उसके बाद नेशनल ID कार्ड ऑफ द एजुकेशन एम्प्लॉय और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द एजुकेशन एम्प्लॉय, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने इसके साथ अटैच करने हैं और फॉर्म को जो है वो सेंड करना है। ये था जो है वो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी एजुकेशन एम्प्लॉय फाउंडेशन, तो उसका प्रोसेस था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मजीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।